नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेलन अस्पताल पहुंचकर कांस्टेबल की कुशल क्षेम पूछी। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल के हत्याकांड के विरोध में राजसमंद भीम क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे भीड़ में से युवक ने कांस्टेबल पर तलवार से हमला किया था, जिसके कारण कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे जेलन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में, और यहाँ पर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पधार चुके हैं। और जो दो दिन पूर्व जो उदयपुर में जो मामला हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की दो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हत्या कर दी थी, उसी मामले को लेकर पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, उसी को लेकर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा था भीम टाटगढ़ में। और जो है वहां पर एक पुलिसकर्मी उन जो है हिंदूवादी संगठन के जो लोग थे उनके द्वारा जख्मी हो गया, उसको जेलन अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उसके पश्चात आज जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, वो संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उनसे मिलने आए हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला आ चुका है, पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से व्यवस्था है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ चुके हैं, अपनी गाड़ी में वो बैठे हैं, गाड़ी कैजुअल्टी के गेट पर आ चुकी है और कुछ ही देर में जो है हमारे सामने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकलेंगे। देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री आ चुके हैं, पुलिस प्रशासन की पूरी टाइट जो है सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। देखिए, पीछे पीछे PSCM अशोक गहलोत यहाँ पधार चुके हैं। और अब जो है जो भीम डाटगढ़ में जो पुलिसकर्मी घायल हुआ था, उस पुलिसकर्मी से मिलने के लिए CM अंदर की ओर जा चुके हैं। देखिए, जो घटना हुई है आपको मालूम ही है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना हुई। उदयपुर के अंदर जो आप सबको मालूम है, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश हिल गया। इतना जघन्य अपराध किया गया वहाँ पर, और हम बार बार अपील कर रहे हैं पूरे प्रदेशवासियों से, वो जघन्य अपराध है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। उनने खुद ने वीडियो बनाया है मारने वाले ने, तो आई विटनेस वो खुद ही बनाए गए हैं, ठीक है ना। उसके लिए SOG ने अच्छा काम किया, पुलिस ने अच्छा काम किया कि तत्काल पकड़ लिया गया मुलजिमों को। और रात भर की तप्ती से मालूम पकड़ लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, आतंक का मामला है, इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को NIA को काम दे दिया गया। अब वो जांच कर रही है, हम उनको सहयोग करेंगे, ठीक है। एक बात तो ये है, और पूरे प्रदेश में आक्रोश हमें मालूम है। हम कोशिश करेंगे कि NIA वाले जल्दी तफ्तीश करके चालान पेश करें, और साथ में वो जल्दी जजमेंट करवाए। ये तो एक बात हुई। उसके फॉलोआउट के अंदर यार पूरे प्रदेश के अंदर भी कई जगह पर मौन जुलूस है, कई जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ही मैंने अपील की, आपने देखा होगा कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति सद्भाव बिगड़ेगा तो और नुकसान होगा। हिंसा लोकतंत्र में कोई स्थान हिंसा का होता है, हम बार बार बोलते हैं। पूरे देश के अंदर भी अभी माहौल तनाव का बना हुआ है। हम अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी करते हैं बार बार, आप अपील करो तो इम्पैक्ट पड़ेगा देश के अंदर, कि देश में शांति सद्भाव भाईचारा रहना चाहिए, हिंसा में बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये प्रधानमंत्री के मुंह से हम सुनना चाहते हैं, जिससे पूरे देश में थोड़ा माहौल जो तनावपूर्ण हो गया है जी सर, वो दुनिया जानती है, देश जानता है, उसमें गिरावट आएगी और सब प्रेम मोहब्बत से रहेंगे आपस के अंदर। ये हमारी तमन्ना भी है, भावना भी है, मांग भी है प्रधानमंत्री मोदी जी से। अब सवाल आता है कि जो कल फॉलोआउट के अंदर भीम के अंदर जो घटना हुई है, वो घटना भी हमारे बहादुर संदीप जो हमारा कांस्टेबल था, उसने उनके साथियों ने पूरा प्रयास किया कि ऐसी घटना नहीं घटित हो जिससे और दंगे भड़क जाए। हिम्मत हौसले के साथ में ये आगे बढ़े,
और किसी ने तलवार लगा दी गले पे, ये कहाँ का कहाँ की सभ्यता है? इसको इसकी निंदा करे तो कम है। किसी को अधिकार नहीं कानून को हाथ में लेवे, इस रूप में कानून हाथ में लिया गया, अनावश्यक तलवारबाजी की गई। ये तो उनके साथियों ने, जो उनके साथ आए थे, उन्होंने टाइमली उनको बैठा करके मोटरसाइकिल पे ले आए ब्यावर में। रास्ते भर ब्लड चढ़ता गया, जान बच गई है। रात को मैंने 11-12 बजे बात की थी प्रिंसिपल साहब से भी, पूछा मैंने हालचाल, उन्होंने कहा नहीं अब काफ़ी ठीक है। हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी ठीक हो। अभी हमने बातचीत उनसे भी करी, उनके परिवार वालों से भी करी, और उनको हमने विश्वास दिलाया कि सरकार आपके साथ में खड़ी मिलेगी आपको हमेशा, पुलिस प्रशासन और सरकार भी। घायल होने के नाते हम अभी 5 लाख रुपए तो सी एम एल फंड से और 5 लाख रुपए पुलिस वेलफेयर फंड से। डी जी साहब खड़े हैं यहाँ पर, दादा साहब खड़े हैं, हमारे अध्यक्ष जी गुमजोता से जी खड़े हैं, इनके तो गांव के वो है संदीप जी। तो ये हम लोग उनके लिए घोषणा कर रहे हैं, और साथ में जो कांस्टेबल है उनका प्रमोशन करके हेड कांस्टेबल 5 को हमने कल बना दिया था, इनका भी मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि इनको भी जल्दी डी जी साहब इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये दो बातें हैं। अब मैं फिर अपील करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से कि कृपा करके सभी लोग आगे आएँ, सभी समाज के लोग, सामाजिक संगठन वाले लोग, एनजीओ, धर्मगुरु, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता। जैसे कोरोना के अंदर हम सब यही जुट रहे थे तो कोरोना मुकाबला करने में हम कामयाब रहे, पूरे देश के अंदर नाम हुआ था उसका, कोई कमी नहीं रखी सबने, कोई भूखा नहीं सोया। मैंने कहा आप लोगों ने सबने प्रयास किए, सब लोगों ने एक दूसरे की मदद करी और वो कोरोना काल में फ्री इलाज सबका हुआ। अब भी मैं अपील करना चाहूँगा, ये संकट की बात है, जघन्य अपराध है, परंतु आक्रोश से हल नहीं निकलेगा। NIA को अपना काम करने दें, हम पूरा सहयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं NIA वालों से हम बात करेंगे, जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री भारत सरकार से बात भी करेंगे कि आप NIA की तफ्तीश जल्दी हो और न्याय मिले जिनके साथ अन्याय हुआ है, परिवार को भी। और लोगों का आक्रोश जो है वो जिस प्रकार का है उस ढंग से देख करके उनको चाहिए कि टाइम पे पूरा प्रोसेस करके जजमेंट जल्दी आए। बढ़िया मेरा मान, ठीक है। अजमेर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने कांस्टेबल का मोबाइल चुरा कर फरार होने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से और भी चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। जो ट्रेन आगरा फोर्ट आती है उसके अंदर RPF का कांस्टेबल है रामबीर सिंह, जिसका मोबाइल चोरी कर लिया था। रामबीर है वो ब्यार पोस्ट पे पदस्थापित है। अजमेर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने ट्रेन से मोबाइल चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे मोबाइल भी बरामद किया गया है। ये मोबाइल ब्यावर में पोस्टेड RPF कांस्टेबल का चुराया गया था। पुलिस आरोपी की हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि ब्यावर में पोस्टेड RPF के कांस्टेबल रामवीर सिंह का मोबाइल चोरी हो गया था। आगरा फोर्ट में हुई वारदात के बाद पुलिस ने संदिग्ध युवक रैदासपुरा सीकर निवासी शंकर सिंह पुत्र माल सिंह को पकड़ा। पूछताछ में उसने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद कर लिया है। आरोपी पूर्व में भी चोरी की वारदात अंजाम दे चुका है या नहीं, साथ ही पूर्व में किसी वारदात में पकड़ा तो नहीं गया, इसको लेकर पड़ताल की जा रही है। अपराधियों की धरपकड़ व अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज हमने एक चोरी के प्रकरण में मोबाइल व मुलजिम को पकड़ा है। जो मुलजिम है वो शंकर सिंह सनोप माल सिंह है, इसका गांव का नाम हरिदासपुरा है, जो PS अजीतगढ़ जिला सीकर का रहने वाला है। इसने आज जो ट्रेन आगरा फोर्ट आती है उसके अंदर RPF का कांस्टेबल है रामबीर सिंह, जिसका मोबाइल चोरी कर लिया था। रामबीर है वो ब्यार पोस्ट पे पदस्थापित है। पूर्व में ये अभी इसका रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है और ये चोरी करने का आदि सा लग रहा है जहाँ तक है। बिल्कुल आज हम इसको पेश करेंगे माननीय न्यायालय में पेश कर करके और फिर हम। अजमेर पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान के तहत किशनगंज थाना पुलिस ने केकड़ी निवासी कुंदन चौधरी को 32 बोर की पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत किशनगंज थाना पुलिस ने केकड़ी निवासी कुंदन चौधरी को 32 बोर की पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से इस मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है।
सरकार के आदेशानुसार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने पर अजमेर व्यापारिक महासंघ द्वारा नगर निगम आयुक्त को प्लास्टिक से बने कुछ उत्पाद बेचने का आग्रह करते हुए ज्ञापन दिया। प्लास्टिक में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को भी इसको एग्जीक्यूट करना है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा उसकी मीटिंग्स की दी गई है। तो ऑल्दो इस पूरे मंथ हमने काफ़ी समझाइश करी है, काफ़ी मीटिंग्स करके लोगों को अवेयर भी करा है। 3 महीने पहले या 4 महीने पहले पैक हो गए थे और अभी भी मार्केट में, इस संबंध में हमें कोई डिफरेंट ऑर्डर्स हमें नहीं प्राप्त हुए। सरकार के आदेश अनुसार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद को लेकर अजमेर शहर महासंघ की ओर से नगर निगम आयुक्त को प्लास्टिक बंद को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह खुद सिंगल यूज प्लास्टिक बंद के समर्थन में हैं, लेकिन उन्हें पेपर कपलेट बॉक्स आदि बेचने की अनुमति दी जाए जिससे दुकानदारों का रोजगार भी चलता रहे। साथ ही नगर निगम आयुक्त से इस पर सख्ती ना कर दुकानदारों को परेशान नहीं करने की अपील की गई। वहीं दूसरी ओर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि सरकार के आदेश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि लंबे समय से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, फिर भी कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता दिखेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मार्गदर्शन लिया जाएगा। अभी एक व्यापार संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो पेपर कप्स हैं उसको लेके कंफ्यूजन है कि वो बैन है कि नहीं। व्यापार संघ का कहना है कि वो बैन नहीं है और उनके द्वारा जो लेटर मुझे दिए गए हैं उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी मार्गदर्शन मांगा गया है कि पेपर कप्स जो है बैन होंगे या नहीं होंगे। तो इस संबंध में नगर निगम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेगी कि इसमें क्या दिशा निर्देश केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के हैं। तो जो दिशा निर्देश होंगे आफ्टर जब वो क्लैरिफाई हो जाएगा उसके तहत ही हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा ये है कि 1 तारीख से जो प्लास्टिक बैन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को भी इसको एग्जीक्यूट करना है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा उसकी मीटिंग्स की दी गई है। तो ऑल्दो इस पूरे मंथ हमने काफ़ी समझाइश करी है, काफ़ी मीटिंग्स करके लोगों को अवेयर भी करा है। तो 1 तारीख के बाद से जो नोटिफाई जो हुआ है उसकी हम अक्षरता से पालना कराने के पूरे प्रयास। नोटिफिकेशन का वो करीब 1 महीने से भी पहले का है और जो 1 तारीख से जो लागू होना है उसकी पूरे महीने भर से समझाइश और अवेयरनेस भी किया जा रहा है। तो नगम क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हम पॉलिसी मेकिंग बॉडी नहीं है, तो हमारा कार्य तो जो ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने का ही रहेगा। ऑल्दो हमें रिप्रेजेंटेशंस मिले हैं इस प्रकार के, तो वो हमने अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनको भेज दिए हैं। हायर लेवल पर यदि कोई डिफरेंट पॉलिसी डिसीजन हमें मिलता है तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आज की डेट में तो जो हमें ऑर्डर्स मिले हैं हम उन्हीं को एग्जीक्यूट करेंगे कि जो 3 महीने पहले या 4 महीने पहले पैक हो गए थे और अभी भी मार्केट में, इस संबंध में हमें कोई डिफरेंट ऑर्डर्स हमें नहीं प्राप्त हुए। तो आज की डेट में तो हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं हम उसी के तहत ही तरफ से तो जो नियमानुसार कार्रवाई होगी हम वो नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। मेरा लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कुल्लड़ को यदि हम प्रमोट करेंगे क्योंकि अर्दर मटेरियल का ही बनता है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉन पोल्यूटिंग। तो सभी व्यापारियों से भी मेरा ये रहेगा कि आप कुल्लड़ को परचेज करें। आपके माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहेंगे कि आज निगम के अंदर आयुक्त साहब से मिले हैं, उन्होंने मिलके हमारी जो परेशानी है उसको सुना और जो हमने ज्ञापन दे के लेटर देने आए थे उन्होंने लेटर दिया है और हमारी परेशानी को सुनकर हमने एक ही चीज़ बोली कि जो प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक जो बंद है हम भी बिल्कुल उसके फेवर में हैं और हम भी उसको बिल्कुल बंद कर दिया है और बेचना बंद कर दिया है। जैसे कि 2 महीने पहले ही फैक्ट्री इन्होंने बंद करवा दी थी तो जब माल बिल्कुल भी नहीं है तो हमने बंद किया। अब जो पेपर कप और जो थाली और जो पैकिंग कंटेनर जो आ रहे हैं हम उनसे एक ही चीज़ के अनुरोध हाथ जोड़ के करेंगे कि ये चीज़ के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बंद नहीं करा है, कृपया करके अजमेर निगम और पॉल्यूशन विभाग इसको भी बंद नहीं करें और हमको इसमें से नरमाई करके इसमें हमको पेश तंगी करें। हम आगे आने समय के अंदर ये चाह रहे हैं कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल भी बंद रहेगा और हम बिल्कुल इसको बेचेंगे भी नहीं और जो आने वाला समय जो है वो इसको अच्छा ही पर्यावरण के विरुद्ध अच्छा होगा और जो प्लास्टिक पेपर ग्लास पेपर कप जो चल रहे हैं और थाली हो गए। जगह जगह सड़क अपनी दुर्दशा का बयान खुद कर रही है। इसी क्रम में ब्यावर रोड FCI गोदाम के सामने सड़क जर्जरावस्था में है जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती। इस संदर्भ में आसपास के दुकानदारों ने शीघ्र सड़क बनवाने की मांग की है। एक तो टेम्पो ऐसे के नीचे गिर भी जाते हैं, वो पलटी का जाते हैं, लेडीजें गिरती है, तो
मोटरसाइकिल वाले जाने वाले कोई टूक है टेम्पू जा रहे हैं, दुर्घटना हो जाती है, लेडीज़ पड़ जाती है, कोई पानी के अंदर कादे के अंदर पड़ जाती है। ब्यावर रोड स्थित FCI गोदाम के बाहर सड़क का हाल बेहाल होने के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क टूटी हुई होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और बारिश होने के बाद इस टूटी सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके कारण दुर्घटनाएँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पिछले 6 महीने से सड़क दुर्दशा की शिकार है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आए दिन यहाँ पर हमेशा मोटरसाइकिल टेम्पू और बस वगैरह ये काफ़ी पानी से यहाँ भर जाता है और वो निकलने में बड़ी परेशानी होती है। कहीं तो टेम्पू ऐसे के नीचे गिर भी जाते हैं, वो पलटी खा जाते हैं, लेडीजें गिरती है, बड़ी परेशानी आती है। तो सर 6 महीने से ज़्यादा और ये टूटी हुई बारिश में तो पानी भर जाता है, तो फिर वो निकलने के लिए और दूर से होके निकलना पड़ता है। बीच रास्ते में पानी मोटरसाइकिलें कम से कम आधी आधा टायर पूरा टायर में पानी भी पड़ जाता है। अच्छा गोदाम के सामने ब्यावर रोड जो वही साफ 6 महीने लगभग हो गए बहुत परेशानी आती है। इसमें मोटरसाइकिल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है, यहाँ मोटरसाइकिल वाले जाने वाले कोई डूब गए, टेम्पू जा रहे हैं कोई डूब जा रहा है, कोई परवाह नहीं इस रोड की। कई बार आगे चल के कुछ नहीं हो रहा इसका काम, दुर्घटना हो जाती है, लेडीज़ पड़ जाती है, कोई पानी के अंदर कादे के अंदर पड़ जाती है, वही हो रही है। पानी के अंदर को जाना दिक्कत आता है इसमें। 6 महीने लगभग हो गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उदयपुर में हुई कन्हैयालाल हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उदयपुर में जो घटना घटित हुई है उसकी विस्तृत जांच की जाए, परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख उपलब्ध करवाए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या मामले में मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की। साथ ही हत्या में लिप्त आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की गई। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रतिनिधि मंडल ने धारा 144 को मद्देनजर रखते हुए माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। गत दिनों में उदयपुर में जो घटना घटित हुई है उसकी विस्तृत जांच की जाए, परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख उपलब्ध करवाए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और गत दिनों में इसी प्रकार से करौली में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में निर्मम हत्याएं की गई है। इसका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन से हो सकता है, इसकी विस्तृत जाँच की जाए और जो भी दोषी व्यक्ति है उनको फांसी की सजा दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।